हमीरपुर शहर में लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए फुटपाथ के आए दिन टूट जाने से लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि टूटा हुआ फुटपाथ में हर दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, मगर जिला प्रशासन मुख दर्शक बना हुआ है। जिला प्रशासन के सोए रहने पर स्थानीय दुकानदारों ने दुर्घटना को रोकने के लिए घर से लाकर फूलों के गमले रख दिए हैं ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न हो सके। हमीरपुर बस अड्डे की ओर जाने वाले फुटपाथ पर एक जगह गड्ढा बनने से लोगों का हर वक्त दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। वहीं गत दिवस ही एक लड़की के गड्ढे में गिर जाने से स्थानीय दुकानदारों ने फूलों के गमले रख दिए हैं ताकि कोई और अनहोनी ना हो सके। वहीं दुकानदारों में जिला प्रशासन के प्रति भी गहरा रोष पनप रहा है, क्योंकि आए दिन फुटपाथ टूट जाता है और लोग गड्ढे में गिर जाते हैं। बता दें कि बस अड्डे की ओर जाने के लिए इस फुटपाथ से दिन में बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग आवाजाही करते हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा टूटे हुए फुटपाथ को बनाने के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, जिस कारण लोग गड्ढे में गिर रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द फुटपाथ दुरुस्त किया जाए। टूटा हुआ है तो इसको इससे ज्यादा बड़ी से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि चलने के लिए प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, और इसमें कोई गिर भी सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है। तो PWD वालों को चाहिए या गवर्नमेंट जो भी इसका डिपार्टमेंट आता है उनको इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना ना हो। सबसे पहले बात यह है कि इस फुटपाथ को बने हुए हार्डली 7-8 साल हो गए हैं, और सबसे पहली बात यह है कि जब से बने तब से प्रॉपर बना नहीं है, क्योंकि जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि नदौन चौक से नीचे हथली पुल तक बनेगा, जो कि ये वो हुआ नहीं पूरा। और ऐसा है कि जब से बना जब इसकी एक बार भी फ्लशिंग हुई नहीं है, और आए दिन यह मच्छर स्मेल जो है वो बहुत ज्यादा है, और जो पब्लिक को चलने के लिए जो फुटपाथ जिस मकसद से बनाया गया था उसका कोई यूज नहीं है, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना यहाँ पर होती रहती है। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि इसका रखरखाव जो प्रॉपर किया जाए। बात है कि सरकार जो है इसको जागरूक होने की जरूरत है, ऐसा ना हो कि किसी को उन्होंने ठेका दे दिया। ठेका तो हमेशा दे देते हैं ये, लेकिन ये देखते नहीं उसके बाद कि मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं वहाँ पे। तो कम से मटेरियल की जांच करो वहाँ पे कि क्या लगा रहा है ठेकेदार, क्या नहीं लगा रहा। अब आपके सामने ही है, अगर ये गमले नहीं लगाए होते, इसमें किसी कोई बच्चा गिर जाता, कोई अनहोनी हो जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन था? आप सब तो बोलेंगे ठीक है भाई इन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन सरकार को देखना चाहिए कि वो क्या कर रही है, ठेकेदार क्या लगा रहे हैं वहाँ पे। इतना तो होना ही चाहिए सरकार। उपभोक्ता संरक्षण संगठन के अध्यक्ष सुशील शर्मा का कहना है कि संगठन ने भी कई बार जिला प्रशासन से टूटे हुए फुटपाथ को बनाने की मांग की है, और अगर जिला प्रशासन इसे नहीं बनाता है तो संगठन लोगों के साथ मिलकर आंदोलन करने के लिए तैयार होगा। देखिए, हमीरपुर में जो फुटपाथ की हालत है उसके ऊपर हम लोगों ने कई बार जिला प्रशासन एवं नगर परिषद जो हमीरपुर है उसके ध्यानार्थ ये मामला लाया है, लेकिन देखने में आया है कि जितनी बार भी हमने कहा हमें आश्वासन मिले हैं उसके बावजूद इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और आए दिन देखने में आता है कि फुटपाथ के टूटे होने जहां से आपने दिखाया वहां तो है ही, लेकिन कई जगह ये जो है फुटपाथ की हालत खस्ता है, उसके नीचे से गहरी नाली जाती है और कई बार लोगों की टांगे टूट चुके हैं, कई बार महिलाओं के पांव फंसे हैं, बच्चे गिरे हैं वहां पे। तो नगर परिषद का जो ढीलमुल रवैया है और जिला प्रशासन का ये अत्यंत निंदनीय रवैया है, और मैं समझता हूं कि अगर इन लोगों ने समय पर अब अगर हम ये जो मामला है इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और इस फुटपाथ की हालत जो है वो ठीक नहीं की, तो हम लोग आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे और शीघ्र ही हम लोग इसकी घोषणा भी करेंगे।